अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो क्वेश्चन वो प्रोसेस वन के हवाले से तो पूछेगा कि आज मैं प्रोसेस टू लूंगा और ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन हो तो पूछिए। ओके जी, अब हम प्रोसेस टू की तरफ मूव करते हैं। प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। जी सर, जी पूछिए। सर मैंने एबनॉर्मल गेन का पूछना था। हाँ जी सर, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे अगर हम नॉर्मल गेन शो करते हैं उससे सर नॉर्मल लॉस तो कम नहीं हो रहा जो क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन उससे जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया होता है वो तो उससे एक्सीड कर जाता है। जी जी सर ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, मसला ये होता है कि नॉर्मल लॉस जो है वो आपने चेंज इसलिए नहीं करना होता, वो एक्सपेक्टेड लॉस होता है और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। तो अगर मैंने एक्सपेक्ट किया है कि 10 यूनिट लॉस होंगे और एक्चुअल 9 होते हैं, तो कॉस्ट में मैं 10 यूनिट की लॉस ही ऐड करूंगा, क्योंकि इट इज अ नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, यानी मैं हर दफा नॉर्मल लॉस उतना ही ऐड कर रहा हूँ। तो इस वजह से आपका जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ होता है वो फिर एबनॉर्मल गेन में डालते हैं। ठीक है, कॉल लॉस पूरा चार्ज करते और जितना आपने सेव किया है वो अब नॉर्मल गेन में चला जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये होता थीम ये है। और सर फिर इक्विवेलेंट डिफाइन करते तो उनमें ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। जी बिल्कुल माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस टू, प्रोसेस टू हो, प्रोसेस थ्री हो, फोर हो, व्हाटएवर इट विल बी, ये सबसीक्वेंट प्रोसेस है, यानी सबसीक्वेंट प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस हैं ये प्रीवियस प्रोसेस से आपकी कॉस्ट रिसीव करते हैं। अगर आप प्रोसेस वन को की अकाउंट को रिकॉल कीजिएगा, जब हम यहाँ लेते हैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, यहाँ हम ट्रांसफर आउट करते थे। This basically amount, जितने भी यूनिट हम निकालते थे, जैसे 20,000 यूनिट है और जो भी कॉस्ट आपने असाइन की कैलकुलेट करके 110,000, ये प्रोसेस वन में जो क्रेडिट हो रही है। जब मैं प्रोसेस टू अकाउंट ओपन करूंगा तो प्रोसेस टू में ये अमाउंट मेरी डेबिट साइड पर आ जाएगी। ये बेसिकली इनपुट हो गई प्रोसेस टू के लिए, यानी प्रोसेस टू ने 20,000 यूनिट रिसीव की है जिसकी कॉस्ट 110,000 थी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि प्रोसेस वन के पॉइंट से ये 100% कंप्लीटेड थे ना, तभी तो ट्रांसफर हुए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट 100% तैयार हो गई है। उस प्रोसेस में जितना काम था, अगर एक प्रोडक्ट जो है वो तीन प्रोसेस से गुजरती है, प्रोसेस वन, देन प्रोसेस टू एंड देन प्रोसेस थ्री, अब प्रोसेस वन ने 100% जब कंप्लीट किया, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि फिनिश गुड्स में चली गई या मेरी प्रोडक्ट 100% तैयार हो गई। हाँ, जो प्रोसेस वन ने जितना काम करना था वो कर दिया, अब ये प्रोसेस टू को दिया, अब प्रोसेस टू इस पर फर्दर अपना काम करेगा, यानी ये उसके लिए 0% हो गया, यानी इससे आगे जितनी कॉस्ट है वो प्रोसेस टू की लगेगी, जिस तरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम जब प्रोसेस टू यहाँ ट्रांसफर करता है अमाउंट, तो ये फिर प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर होती है और प्रोसेस थ्री में फिर ये इनपुट में आ जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये याद रखिएगा कि ये कॉस्ट एक्युमुलेट होती जा रही है। अब ये गरीब बात है कि यहाँ 5.5 पर यूनिट है, तो यहाँ पर एंड जो होगा वो 5.5 नहीं होगा, ज्यादा होगा, फिर प्रोसेस थ्री में और बढ़ेगी कॉस्ट, फाइनली जो फिनिश गुड्स में जाती है वो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 100% कंप्लीट हो चुकी है। हम जब प्रोसेस अकाउंट बना रहे होते हैं, हम सिर्फ एक प्रोसेस के पॉइंट से देख रहे होते हैं। अगर मैं कहता हूं जी यहाँ प्रोसेस टू में या वन में या थ्री में 100% कंप्लीट हुआ, तो वो उस प्रोसेस में कंप्लीट हुआ है। जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि प्रोसेस वन से गुड्स मैंने ट्रांसफर की है, इसका मतलब है कि 100% कंप्लीटेड सो एज प्रोसेस वन इज कंसर्न। जब मैं बात करता हूँ कि प्रोसेस टू से मैंने इतनी गुड्स प्रोसेस थ्री को ट्रांसफर की है, इसका मतलब 100% कंप्लीटेड टिल प्रोसेस टू, इसमें वन भी शामिल है और टू भी शामिल है।
तो इसलिए याद रखिएगा कि जो प्रोसेस वन से गुड्स जो आप ट्रांसफर करते हैं वो प्रोसेस टू में इनपुट हो जाती है, और इसको बिल्कुल इसी तरह डील करते हैं जैसे हम मटेरियल को डील कर रहे थे। मटेरियल वाज एटेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो ये स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में आप इनपुट करते हो, अब इसमें मजीद कॉस्ट इनकर होती है। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का, वर्क इन प्रोसेस का, दिस इज सिमिलर, इसमें कोई फर्क नहीं है, दिस सेम एज बिफोर। अलबत्ता थोड़ी सी जो चेंज आएगी वो क्या होगी, नॉर्मल लॉस में तो बिल्कुल चेंज नहीं आएगी ना, ये तो सेम है, यानी ये सेम होगा। इसमें जो थोड़ी सी चेंज आएगी वो क्या है, नॉर्मली एबनॉर्मल लॉस आप पहले जीरो से स्टार्ट करते थे ना कॉस्ट को, अब इसमें ये कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पहला प्रोसेस कंप्लीट होकर आया और सेकेंड में लॉस हुआ। हम असल में कहता हूँ जिस सेकेंड में मैंने 90% पे जाके इंस्पेक्शन की, तो इसका मतलब है कि इस पे अब ये 100 यूनिट मेरे लॉस्ट हुए, एबनॉर्मल की बात कर रहा हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 100 यूनिट आपके लॉस हो रहे हैं ये 100% कंप्लीट होकर आए हैं प्रोसेस वन से और 90% कंप्लीट हुए हैं प्रोसेस टू। ठीक है, तो इट मींस कि इसके 100% कॉस्ट प्रोसेस वन की भी ट्रांसफर करनी है और 90% कॉस्ट आपने प्रोसेस टू की भी ट्रांसफर करनी है, जैसे नॉर्मल रूटीन में कर रहे हो। वर्क इन प्रोसेस में भी बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट रखना है कि जो प्रोसेस वन की कॉस्ट है उसको भी मैंने वर्क इन प्रोसेस को भी ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब इसको जरा थोड़ा सा थिंक करना है आपने, बाकी फर्क कोई भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट एग्जांपल में आ रहा हूँ और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्रोसेस टू की, और प्रोसेस टू में हम लिखते हैं जी कि कंपनी, मैं सिर्फ डाटा पुट कर रहा हूँ कि प्रोसेस टू का डाटा है रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन, प्रोसेस वन से आपने रिसीव किए 60,000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 245,000। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम ऐड कर रहे हैं एडिड मटेरियल, मजीद मटेरियल भी तो ऐड होता है ना, जरूरी तो नहीं है सिर्फ प्रोसेस वन में मटेरियल लगे, कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोसेस टू में भी लगता है। ये प्रोसेस टू का मटेरियल, और इससे कोई यूनिट नहीं बढ़ रहा है, यूनिट मेरे वही 60,000 है, इन्हीं 60,000 यूनिट पे आप मटेरियल ऐड कर रहे हो 35,000 का, और इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट आपकी लग रही है 142,000। अच्छा, अब इसमें हमें ये इन्फो, जी सर एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया एडिट मटेरियल से। सर एडिट मटेरियल हम जब लिखते हैं तो वो नॉर्मली 100% जो मटेरियल कंप्लीट होते हैं उन पे लिखते हैं, या जो जब हम करते हैं अपनी उसकी, यानी हम लिखते हैं कि नॉर्मली हमने इंस्पेक्शन किया 75% पे, तो उस पे एडिट मटेरियल ऐड होता है या 100% पे एडिट मटेरियल ऐड होता है जो हमने पहले लिखा था, पिछले क्वेश्चन में? मैं आपको बता देता हूं, देखो एडिट मटेरियल दो किस्म का है, अगर तो आप सॉरी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मटेरियल एडिट मटेरियल वाज एडिट फॉर टू गुड यूनिट्स ओनली, ठीक है, एट इंस्पेक्शन आफ्टर इंस्पेक्शन स्टेज, तो फिर तो यकीनी बात है कि इंस्पेक्शन स्टेज के बाद आप ऐड कर रहे हो, राइट, और गुड्स यूनिट पे कर रहे हो। एक एडिट मटेरियल और नेचर का होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आप ऐड कर रहे होते हो, उसमें लॉस ही देख रहे होते हो। जैसे आप, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे वही नगेट्स वाला क्वेश्चन को, कि पहले आपका प्रोसेस है हीट अप प्रोसेस, यानी आप ऑयलिंग जो ऑयल है उसको हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, अब हीट करने के बाद आप मटेरियल ऐड करोगे, इसको हम एडिट मटेरियल कहते हैं। और याद रखिएगा कि जब आप ऑयल वगैरह डालते हैं वो भी एक मटेरियल है, तो आप जब उसके अंदर जब आप उसमें चिकन ऐड करोगे तो चिकन फौरन ऐड नहीं करते, आप उसको हीट अप प्रोसेस करते करते, इसमें आप लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन के नेचर पे जाना है आपने, ठीक है, और कब ऐड हो रहा है ये चीज देखनी है। लेकिन ये याद रखना है फाइनली एडिड मटेरियल हो या कोई भी मटेरियल हो, या वो 0% होगा या 100% होगा, यानी मीन वो इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस नहीं होगा, जिस तरह कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं। मसलन अगर वो ये लिखता है जी मटेरियल वाज एडिट एट 20% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, तो अब अगर जो यूनिट 20% कंप्लीट हो गए उसमें मटेरियल ऐड कर दूंगा, ठीक है, 100% ऐड होगा मटेरियल, उसमें ये नहीं होगा कि 20% ऐड करूंगा, नो 100% ऐड करूंगा,
मटेरियल वाज एडिड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, जितने यूनिट स्टार्ट किए सारा मटेरियल इशू कर दोगे 100%। इस ये कॉन्सेप्ट आपने मटेरियल में लाइन में रखा होगा, ठीक है? ओके सर, शुक्रिया। अच्छा, यहाँ एडिट मटेरियल में फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ एडिट मटेरियल को लॉस वाला नहीं है, यहाँ एडिट मटेरियल ये है कि जैसे सेकंड प्रोसेस में आते हैं तो वहां पर भी मटेरियल चाहिए होता है और उस मटेरियल को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है? और वो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा है, एक प्रोसेस के बाद भी मटेरियल इशू होता है, सारे मटेरियल स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं आते। अच्छा, अब कन्वर्जन कॉस्ट के बाद में लिखता हूँ जी, यूनिट ट्रांसफर्ड। अब इसमें से हम कहते हैं जी 20,000 यूनिट मैंने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हम कॉस्ट तो उसमें नहीं दी होगी ना, वो तो मैंने फाइंड कर, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, यूनिट्स ट्रांसफर। और आगे देखता हूं जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में वो लिखते हैं जी 70% कंप्लीट है, which is equal to, okay, ये 20,000 कम लिख दिया मैंने, इसको चेंज करो, इसको 40 कीजिए, और यहाँ पर 15,000, और उसके बाद में लिखते जी इंस्पेक्शन वॉज टेकन प्लेस एट 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन। नॉर्मल लॉस शेल बी 8% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। विथ स्क्रैप वैल्यू of rupees 12 per kg per unit। अब आपसे कहते हैं जी प्रोसेस टू अकाउंट बना दो, सो प्लीज एक चीज याद रखनी है, प्रोसेस टू के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रोसेस वन से आप यूनिट रिसीव कर रहे हैं इसको नॉर्मल मटेरियल कहते हैं, इनपुट, ठीक है? ये इसके लिए मटेरियल है और अब इसमें मजीद ऐड कर रहे हैं मटेरियल, और इसके मुताबिक मैं एडिड मटेरियल में लिख देता हूं, एडिड मटेरियल वॉज पुट इनटू प्रोसेस एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, start of process 2, क्योंकि यहाँ पर एडिड मटेरियल भी आ रहा है, तो बेसिकली जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से ले रहे हैं उसमें मजीद मटेरियल ऐड कर रहे हैं और अब प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें प्रोसेस 2 में आइएगा, अब इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मड होती है, मट्टी से आप बनाते हो पॉट्स वगैरह, यानी जो बर्तन बनाते हैं आप डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट शेप्स में, ठीक है? अब इसमें जिस वक्त आप ये बना रहे होते हैं, इसमें पहला जो प्रोसेस होता है ना, फर्स्ट प्रोसेस, इसको आप नाम देते हो मिक्सिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली इसमें जो मड और जो दूसरे केमिकल्स है वो एड करके
आपकी मशीन होती है जो उसको मिक्स कर देती है, उसको इस फॉर्म में ले आती है जिससे आप अपने बर्तन बना सकते हो या अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब ये बनाना फर्स्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट का काम है। ये जैसे कंप्लीट हुआ इसने मिक्स करके प्रोसेस टू को ट्रांसफर किया। प्रोसेस टू जो है वो शेपिंग डिपार्टमेंट है। अब शेपिंग डिपार्टमेंट क्या कहें, वहां पर स्किल्ड लेबर बैठी होती है और वहां पर आपके पास डिफरेंट डाइज होते हैं। जैसे जो भी मटेरियल आपके पास मौजूद होता है जो प्रोसेस वन से रिसीव किया है उसको फौरन वो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में शेप करते चले जाते हैं। ठीक है, शेप करने के बाद अब इसमें मैं डायरेक्ट तीसरे प्रोसेस में आता हूँ, बीच में एक दो डिपार्टमेंट छोड़ के मेन की तरफ आता हूँ, कलरिंग। अब इसको कलरिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जब थर्ड प्रोसेस में आता है, जब ये शेप्स बन चुकी होती हैं, उसके दरमियान में एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ड्राई अप प्रोसेस होता है। और जब ड्राई हो जाती हैं उसके बाद फिर एक और छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको हम फिनिशिंग कहते हैं। फिनिशिंग से मतलब है कि उसको उस शेप में लाते हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी जो डैमेजेस हैं वो खत्म हो जाए। फिर कलरिंग डिपार्टमेंट, अब मैं कलरिंग की इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कलरिंग के लिए मजीद कलर चाहिए। अब कलर कब इशू करेंगे मुझे बताएं। अब आपकी प्रोसेस टू से शेप्स बनकर आ गई, उसमें कुछ स्पून्स हैं, कुछ और चीजें हैं, डिफरेंट वो आपकी बनी हुई हैं, ग्लासेस हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। अब ये जितनी चीजें आपके पास आई हैं इस पे आपने कलर करना है, तो कलर होगा, मटेरियल इशू होगा तो आप उसको एक प्रोसेस कर सकते हो। ये जो मटेरियल कलर इशू हो रहा है इसको हम एडिट मटेरियल का नाम दे सकते हैं। यानी आपके पास ये भी आ रहा है, ये भी मटेरियल है, वो जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी मटेरियल है, इसको अभी आप फिनिश गुड्स नहीं कहोगे, इसके लिए ये मटेरियल है और इस पे फिर ये फर्दर मटेरियल ऐड करेगा ताकि ये प्रोडक्ट तैयार होकर फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बार बार ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ मुख्तलिफ तरीकों से कि आपने ये याद रखना है कि प्रोसेस टू जो है ये उसी प्रोडक्ट पे काम हो रहा है जो प्रोसेस वन ने 100% कम्प्लीट की है। और प्रोसेस टू जैसे वो रिसीव करेगा तो इसके लिए 0% हो जाएगी अपने प्रोसेस के लिए, हालांकि ये पहले से 100% कंप्लीट है लेकिन प्रोसेस वन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए बाकी प्रोसेस मैकेनिज्म आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। यूनिट और यूनिट कॉस्ट, यूनिट और यूनिट कॉस्ट। अच्छा, यहां से आइएगा इनपुट। अब इनपुट जो है ना वो प्रोसेस वन होगा, यहां मैं लिखूंगा प्रोसेस वन, इनपुट का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनपुट में हम 60,000 यूनिट्स रिसीव कर रहे हैं जिसमें मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 245,000। ये कॉस्ट प्रोसेस वन में लग चुकी है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रोसेस टू की कॉस्ट नहीं है, लेकिन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोसेस टू कंप्लीट होगा तो इसका मतलब सिर्फ टू कंप्लीट नहीं हुआ, टिल प्रोसेस टू तक कंप्लीट हुआ, तो जितनी कॉस्ट आज तक लगी हुई है वो सारी ऐड होगी। तो ये प्रोसेस वन की कॉस्ट है, अब इसमें ऐड होगी प्रोसेस टू की कॉस्ट। ओके, अब प्रोसेस वन के बाद यहां आइएगा फर्दर जो भी चीज है, एडिट मटेरियल। एडिट मटेरियल मेरे पास है 35,000, ये लिया आपने यहां पर। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट 142,000। अच्छा, इन दोनों तीनों को ऐड करने के बाद अब क्रेडिट साइड पे आएगा ट्रांसफर्ड आउट। से पहले नॉर्मल लॉस, वो उसी तरीके से प्रोसेस है ना, इसमें चेंज नहीं करना, पहले अब नॉर्मल लॉस निकालते हैं फिर देखते हैं अब नॉर्मल लॉस आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस में आइएगा, हमने पढ़ा है कि 8% इंस्पेक्टेड यूनिट्स है। मैं रुकूंगा और आप लोगों से कहूंगा कि कैलकुलेट करो कि कितना आएगा, जरा कैलकुलेट कीजिएगा। इंस्पेक्शन स्टेज पर नहीं आया तो 45 यूनिट रह गए, इन 45 यूनिट्स का 8% लेंगे तो 3600 आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो स्क्रैप वैल्यू से, हाउ मच, 43200, this is a normal loss. अच्छा, अब मेरा overall loss कितना है? ये 55,000 units.
और ये 60,000 है, 5,000 यूनिट लॉस हो रहे हैं, इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो यूनिट लॉस है, 5,000 लॉस हुए। अब इन 5,000 यूनिट जो लॉस हुए उसमें नॉर्मल लॉस तो अभी आपने खुद कैलकुलेट किया कि 3,600 है, लेस द नॉर्मल लॉस इज अ बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ 1,400। उसके बाद आप ट्रांसफर्ड आउट लिखोगे नेक्स्ट प्रोसेस को या फिनिश गुड्स को, वट एवर द केस इट विल बी, और उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। अब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये याद रखेगा, अभी उसकी तरफ मैं आता हूँ। स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर्ड आउट मेरे हैं 40,000 और वर्क इन प्रोसेस में है 15,000 यूनिट। अब इस साइड का टोटल आ जाएगा 60,000 और 60,000 इन यूनिट्स। और अगर इसको टोटल करें 245 प्लस 35 को 280, इस साइड का टोटल कीजिएगा 422,000। और ऑब्वियसली इस साइड का टोटल भी यही आना चाहिए जब मैं सारी कैलकुलेशन कर लूं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते आए इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स मुझे बताइएगा एडिट मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्या है। मटेरियल वाज एडिट एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एडिट मटेरियल वाज पुट इनटू प्रोसेस एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस 2। जब स्टार्ट में है तो फिर तो ऑब्वियसली ये जो यूनिट मैंने 40,000 ट्रांसफर किए हैं, 40,000 वो ये तो ट्रांसफर हुए, यानी 100% कंप्लीटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोसेस 2 प्लस वर्क इन प्रोसेस 15,000 है, लेकिन ये 70% कंप्लीट है, बट मटेरियल वाज एडिट एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो ये 100% होगा। इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा था, या 100 आएगा या नहीं आएगा। अब जैसे तीसरा देखिएगा, एबनॉर्मल लॉस 1400 यूनिट्स है और 1400 यूनिट का 90% ये कंप्लीट हुए, लेकिन मटेरियल वाज एडिट एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, अगेन पूरे 1400 में यूनिट लूंगा और इसको प्लस कर लें तो ये मेरे पास 56,400 आ गया इक्विवेलेंट यूनिट एडिट मटेरियल का। और कन्वर्जन कॉस्ट का अगर कैलकुलेट करूं तो इसके लिए हमारी अजम्पशन क्या होती है, इट शैल बी अकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये 40,000 तो 100% आएगा, 15,000 यूनिट जो प्रोसेस में है इसके 70% कंप्लीट है, तो 15,000 का आप 70% लोगे, which is I think 10,500, check करते जाइएगा कैलकुलेशन, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा, प्लस नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका आ रहा है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस है मेरे पास 1400 यूनिट और ये 90% कंप्लीट है, तो ये आ जाएगा 1260। अब इसको प्लस कर लो, 51760 760। ओके, अब जब मैं यूनिट कॉस्ट निकालता हूं, यूनिट कॉस्ट, अब यूनिट कॉस्ट सबसे पहले मैं प्रोसेस वन की निकालू। अब प्रोसेस वन की यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, देखो सेम उसी तरह जो यूनिट कॉस्ट आप प्रोसेस वन में पढ़ते थे विदाउट इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन 245,000 माइनस नॉर्मल लॉस 43,200 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी 60। आप इसमें सिंपल इसका तरीका ये होता है कि यू आप परसेंटेज डायरेक्ट नहीं लेते, 60,000 में से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस कर। अब इसकी कैलकुलेशन करें, थ्री पॉइंट फाइव सेवन एट जीरो वन थ्री पॉइंट फाइव
7801। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस टू एडिट मटेरियल। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट यूनिट निकालूंगा तो यही आएगा, इसी तरह 60,000 माइनस 3600 जो अमाउंट आ रही है ना 56,400, सेम यही आएगा। तो इसलिए हमने निकाला ही नहीं है। एडिट मटेरियल 35,000 और इसको डिवाइड कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने जो नॉर्मल लॉस है उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो एडिट मटेरियल से लेस नहीं की। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें जो मेजर कॉस्ट इनकर हुई होती है वो प्रोसेस वन की है, और ये मैंने इसलिए वैल्यू ली भी इसे मतलब माइंड में रखते हुए, और इत्तेफाकन अच्छा मान गया क्वेश्चन, ये ज्यादा है इससे 35 से, इसमें से लेस हो भी नहीं सकता, ये प्रोसेस वन की कॉस्ट में से लेस होगा। हमेशा इसमें याद रखना, प्रोसेस टू में जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो डायरेक्टली लेस करोगे आप आपकी जो प्रोसेस वन से अमाउंट रिसीव हो रही है उस पर। अब इसको 43,200 अगर कैलकुलेट करें, 35,000 को आप डिवाइड करोगे 43,200 पर, तो ये आ रहा 0.81019। कन्वर्जन कॉस्ट सर इसको 43,200 भी डिवाइड किया आपने, इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट यूनिट 56,400 43,200 मैंने कहां से ले लिया। अच्छा, वो ऊपर स्क्रैप वैल्यू, सो दोबारा करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 56,400 इक्विवेलेंट यूनिट, .62057। चेक करते जाएगा कैलकुलेशन, कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास 142,000 और इसका जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो है 51760। ये आ रहा है 2.74343। अब इन सबको ऐड करें, 0.62057 प्लस 3.57805 विच इज इक्वल टू 6.94201। अब ये वही चीज आ गई जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कि जब प्रोसेस एक प्रोडक्ट जो प्रोसेस टू से ट्रांसफर हो रही है यानी थर्ड प्रोसेस की तरफ या फिनिश गुड्स की तरफ, उसके अंदर सिर्फ प्रोसेस टू की कॉस्ट शामिल नहीं होगी, उसके अंदर प्रोसेस वन की कॉस्ट भी शामिल होगी। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस टू से आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो और ये जो कॉस्ट आपने पर यूनिट निकाली है इसमें प्रोसेस वन की कॉस्ट भी शामिल है। ये एज एक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, यानी टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस टू, अगर एक यूनिट दोनों प्रोसेस कंप्लीट करता है तो उसकी यूनिट कॉस्ट 6.94201 होगी। अब ये जो यूनिट कॉस्ट है, जरा प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा, मैं नेक्स्ट जब उस पे जाऊंगा मैं जरा पिक्चर ले लूं इसकी, इतने से कि मुझे आगे आसानी होगी। वैसे मुझे एक्सेल पे कर लेता तो ज्यादा आसान था, इस पे टाइम बच जाता। ओके जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। आइएगा नेक्स्ट में, अब प्रोसेस अकाउंट मैंने इसमें पिछली स्लाइड में इट्स ओके, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट है समझाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, हमारे पास एबनॉर्मल लॉस जो था पिछली स्लाइड में मैं देख रहा हूं 1400 यूनिट्स है, ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए यहां लिख दिया 1400 यूनिट्स। अब और ये कब लॉस हो रहा है ये भी माइंड में रखिएगा, 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर, यानी जब 90% मेरी कंप्लीशन हुई थी स्टेज तब जाकर इंस्पेक्शन हुई थी। अब इट मींस कि ये जो 1400 यूनिट्स हैं ये प्रोसेस वन जो है वो कंप्लीट करके आए थे,
ये प्रोसेस वन में लॉस नहीं हुए थे, ये प्रोसेस वन में कंप्लीट होके आए थे और प्रोसेस टू में ये 90% कंप्लीशन के बाद लॉस हो गए। तो अब मुझे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जब कैलकुलेट करनी है तो यकीनन प्रोसेस वन की कॉस्ट भी ऐड करूंगा। एज एड का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया, टिल 90% का मैं ये कहूंगा 100% ऑफ प्रोसेस वन प्लस 90% ऑफ प्रोसेस टू। ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन इसमें ऐड करूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन जो है उसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितने यूनिट है मेरे पास, मैं दोबारा ओपन कर लू उसको। जी तो ये मेरे पास है 1400 यूनिट, और चूंकि प्रोसेस वन कंप्लीट करके आए हैं, प्रोसेस वन की जो यूनिट कॉस्ट है वो 3.57801। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर पे। ये cost of process one है। उसके बाद ये process two में आए, process two के start में ही आपने material add किया, material जो add किया वो भी 100% है। अब added material की cost कितनी आएगी, 1400 unit पे आपने add किया material जिसकी cost है 0.62057 869। और उसके बाद जहां तक कन्वर्जन कॉस्ट का ताल्लुक है वो 90% ऐड हुई, और कन्वर्जन कॉस्ट मेरी कितनी आएगी, 1400 इनटू 2.74343, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, और इसकी 90% कॉस्ट ऐड कीजिएगा 3457। अब तीनों को ऐड कर लें, 9335, ये मेरी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ गई। अब जो क्रेडिट साइड है उसका मैं अगर यहाँ लिखता जाऊं, क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस आया था 43200 और एबनॉर्मल लॉस मैंने कैलकुलेट किया 9335। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जिस वक्त आगे मूव करेंगे आप नेक्स्ट में, ट्रांसफर आउट है 40,000, और ट्रांसफर आउट वो यूनिट है जो 40,000 कंप्लीट हो चुके टिल प्रोसेस टू। तो इसके अंदर प्रोसेस वन की भी 100% कॉस्ट आएगी, प्रोसेस टू की भी 100% कॉस्ट आएगी। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा ट्रांसफर आउट में हमारे पास टोटल यूनिट्स 40,000 है, और दोनों यूनिट की जो प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट हमने निकाली थी पिछली स्लाइड पे 6.94201, इसको ऐड कीजिए 277680। ये अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट की है ये मेरी ट्रांसफर आउट में आ जाएगी 277680। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरे पास वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास 15,000 यूनिट्स है, और ये 15,000 यूनिट अगेन उसी तरह से थिंक कीजिएगा, ये प्रोसेस 100% कंप्लीट करके आए थे, प्रोसेस 1 के पॉइंट ऑफ से ये वर्किंग प्रोसेस नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्रोसेस 2 में आए तो ये मुकम्मल नहीं हो सके इस मंथ के एंड होने तक, और ये मेरे 70% जो है वो आई थिंक कंप्लीट हुए थे। यस 70%, ये मेरे पास 70% कंप्लीट हो गए। ओके, अब ये 70% जो अमाउंट है वो आपकी, यानी ये 70% कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लें वर्क इन प्रोसेस को। अब इसको भी उसी तरह करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन
अब प्रोसेस वन की जो कॉस्ट है वो किस तरह कैलकुलेट होगी, हमारे पास ये यूनिट है 15,000 और प्रोसेस वन की कॉस्ट ऊपर हमने लिखी हुई है 3.57801। अब इसको प्लस कर लें, मल्टीप्लाई करें, 5,370 ठीक है सर, ठीक है 5,370 अच्छा उसके बाद आइएगा एडिट मटेरियल। अब मटेरियल जो के ऐड किया आपने स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस अगेन, तो 15,000 इनटू और ये भी स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो पूरी अमाउंट आएगी 0.62057 9308 9308। और उसके बाद फिर कन्वर्जन कॉस्ट जो है इसमें जो ऐड होगी वो ऑब्वियसली 70% होगी, 15,000 इंटू 2.74343 इंटू 70%। अब इसको ऐड कर लें, अब जैसे कि मैं यहां माउंट लाऊंगा तो 4 और 5 9 बनेगा, इससे अवॉइड करने के लिए 91785 कर दूंगा राउंडिंग। अब इसको टोटल कीजिएगा, ये टोटल कितना आ रहा है, जाने से पहले जो मैं फर्दर आपसे डिस्कशन करने लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर किसी को कोई कंसर्न हो तो प्लीज पहले से बता दीजिएगा, मैं टाइमिंग सेट करूंगा आप लोगों के उसके मुताबिक। आपकी जो है ना मंडे इस वीक में, मंडे वेनसडे और सैटरडे, एक सैटरडे लिख रहा हूं फ्राइडे और सैटरडे हम बाद में देखें, ये मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूं, यानी एक दिन में आप दो क्लासे आपकी होंगी, एक तो यही टाइम है और एक क्लास में इवनिंग में रखना चाहूंगा, तो मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है वो 3 to 4 या 4 to 5 है और आई थिंक 4 to 5 इज द बेस्ट। जी अगर इस टाइम में किसी को कंसर्न है तो अभी प्लीज बता दीजिए। ओके डन, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें हमने करना क्या है ये भी देखिएगा, हमारे एक कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं 4 to 5 टॉपिक्स, यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और मैंने इन इस क्लास में उन टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स जो है जिसके अंदर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, यानी स्मॉल टॉपिक्स जो है, शॉर्ट टॉपिक्स वो मैंने स्टार्ट करना है और रेगुलर क्लास, ये भी रेगुलर क्लास ही कंसिडर होगी, ये नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा क्लास उस तरह ले रहा हूं, ये रेगुलर क्लास ताकि हम टाइमली कोर्स को कंक्लूड कर सके, ठीक है, तो ये आज हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 to 5 और इसका इसका जो कोड वगैरह वो मैं सेपरेट दूंगा, इसको मैं खुद होस्ट करूंगा और इसका मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा कि ये इसका टाइमिंग है और ये उसका कोड है, ठीक है। सो वेल सर मेरे क्वेश्चन है,
सर आपने ईद से पहले पहले कोर्स कंप्लीट करना है? कोर्स कंप्लीट करना है, बिल्कुल करना है, और उसके बाद फिर जो है ना प्रैक्टिस क्लास जो है ना मजीद प्रैक्टिस जो करनी होगी वो ईद के बाद करेंगे, लेकिन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ईद से पहले। जो कंसर्न है किसी को तो बोल दें, कोई बात नहीं, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, हल निकाल लेंगे। सर वैसे मतलब उन्होंने 21 डेज आगे कर दिया है, तो अगर इजीली मतलब एक दो हफ्ते ऊपर भी हो जाए तो कोई इशू तो नहीं? नहीं इशू तो कोई नहीं है, इशू तो कोई, लेकिन जिस स्पीड से जिस तरह हम जा रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं फ्रेंकली बताऊं, ये तब भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं छोटे टॉपिक भी एक दो निकालना चाह रहा हूं। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं नहीं करता क्लास। नहीं सर ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है। नहीं सर क्लास तो कोई इशू नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा आगे चला जाए तो कोई इशू नहीं। हाँ नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो मुझे भी पता है। देखें ईद में तो हमारा सिर्फ ये कोशिश होगी कि कोर्स जितना मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए ना, चलो 100% तो तब भी नहीं मुझे लग रहा, लेकिन ये है कि 90% भी हो जाए ना तो बहुत तसल्ली हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जो टाइम है इसमें जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ, अब यकीन करें उसको आपको सिर्फ घर में एक दफ़ा नज़र देखने की जरूरत है, अदरवाइज कोई इतना मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, वो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे और क्लास में ही उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, वो आपको समझ आ जाएंगे। इस वजह से मैं वो टॉपिक सिर्फ लूंगा, जो मेन टॉपिक है वो फिर हम उसको अगर हमने दो क्लासे रखी थी तो वो रेगुलर बेसिस पे दोनों घंटों में उसको कंटिन्यू करो, अलग टॉपिक स्टार्ट नहीं करो। ठीक है ओके जी। अच्छा अब ये जो छोटा सा एक इसके साथ टॉपिक है, ज्वाइंट है छोटा सा लेकिन क्वेश्चन इसका बहुत टफ आता है, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। देखिए जिस वक्त हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, जैसे ये प्रोसेस अकाउंट बनाया, यहां से जब हम ट्रांसफर करते हैं खासतौर पे जब फिनिश गुड्स को, तो ये सम टाइम ये एक प्रोडक्ट नहीं होती, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का अगर नाम गौर से देखो, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स दोज प्रोडक्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय अ ज्वाइंट प्रोसेसेस, जो एक ही ज्वाइंट प्रोसेस से आपकी तैयार होती है और एंड में आप उसको स्प्लिट कर देते हो कि ये प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ये है। अब ये जो ट्रांसफर आउट की कॉस्ट, जैसे सिंपल मैं ये कहता हूं कि ये 277 की कॉस्ट लगी है, ये असल में तीन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है। अब इसका मतलब है कि इस कॉस्ट को फर्दर मुझे एलोकेट करना है कि ये कॉस्ट इसमें ज्वाइंट प्रोडक्ट जेपी वन को कितनी जाएगी, ज्वाइंट प्रोडक्ट टू को कितनी ट्रांसफर होगी, ज्वाइंट प्रोडक्ट थ्री को कितनी जाएगी। ये बेसिक इसका थोड़ा सा थीम मैंने आईडिया आपसे शेयर किया ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट्स का। अच्छा अब जरा थोड़ा सा डिस्कस ये भी करते हैं कि होती क्या है। देखिए ज्वाइंट प्रोडक्ट तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेन प्रोडक्ट्स हैं आपकी बिजनेस की। ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट रेंज का हिस्सा है और ये एक कंबाइंड और कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तैयार होती है। ठीक है, और एंड पर एक पॉइंट आता है जहां पे ये स्प्लिट ऑफ होती है, स्प्लिट ऑफ से मतलब अलग होती है, और उसके बाद भी हो सकता है उस पर फर्दर कॉस्ट लगाई जाती है कुछ प्रोडक्ट्स पे ताकि उसको हम सेलेबल कंडीशन में ला सकें। वो प्रोसेस जिसमें कॉमन कॉस्ट लग रही है उस प्रोसेस के थ्रू जहां जब तक वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं आता, बिल्कुल ऐसे समझिएगा ये मैंने एक चार्ट बनाया, ये मेरा इनपुट है, यहां से मैंने इनपुट दी और ये मेरी आउटपुट है। ये जो आउटपुट है इट डजंट मीन द फिनिश गुड्स, आउटपुट का मतलब ये है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी ये मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, जेपी वन, जेपी टू और जेपी थ्री, ज्वाइंट प्रोडक्ट वन टू थ्री। अब हो सकता है ये फर्दर प्रोसेस हो और फर्दर प्रोसेस होने के बाद फिर फिनिश गुड्स में जाए, वो उनकी अपनी अपनी कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट लगी है जिसको हम कॉमन कॉस्ट कहते हैं और इसको ज्वाइंट कॉस्ट भी कहते हैं, इस कॉस्ट को मुझे एलोकेट करना है जेपी वन, जेपी टू, जेपी थ्री को। उसके लिए हम मेथड डिस्कस करेंगे, देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, उसके बाद आइएगा बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट भी इसी प्रोसेस के थ्रू तैयार होती है, यानी ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो आपके जेपी वन, जेपी टू, जेपी थ्री के साथ,
एक बाय प्रोडक्ट भी आपकी तैयार हो जाती है। अब ये जो बाय प्रोडक्ट है ये बेसिकली आपकी मेन प्रोडक्ट नहीं होती, ये यानी आपकी प्रोडक्ट रेंज का हिस्सा नहीं होती, लेकिन इसको आप सिंपल सिंपल ऐसे समझ लो जैसे वेस्ट होती है, लेकिन ये नॉर्मल लॉस से थोड़ी सी अलग हम लेते हैं। नॉर्मल लॉस एक सेपरेट चीज है, लेकिन इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे ये रॉ मटेरियल है किसी और प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त आई वॉज वर्किंग इन मेडीपार्क लिमिटेड, जर्मन कंपनी है, तो ये ड्रिप्स बनाती है। ड्रिप्स ये जो हमें वाटर लगते हैं, ये जो ड्रिप सेट्स लगते हैं, ड्रिप्स वगैरह लगते हैं वो बीमार हो जाए, तो ये जो ड्रिप्स है इसमें ये जो बॉटल्स यूज होती हैं प्लास्टिक की, ठीक है, ये प्योर प्लास्टिक होता है। मेडिकेशन प्रॉब्लम की वजह से कोई इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, तो ये बड़े प्योर होता है। अच्छा, अब इस प्लास्टिक को कट किया जाता है, अब जब कट करते हैं तो उसके साइड पे वेस्टेज आती है, उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है, लेकिन कंपनी अपनी यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकेशन प्रॉब्लम की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिसाइकल नहीं करती। वो जो वेस्ट है that becomes a raw material of those industries जो के यानी उस प्लास्टिक से कुछ चीजें बनाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक से मुख्य चीजें बनती है, वो उससे बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट तैयार हो रही है ये हमारी वेस्ट जरूर है, लेकिन हम इसको बकायदा सेल करते हैं और ये हमारी रेगुलर बेसिस पे सेल होती है, इसको हम नाम देते हैं बाय प्रोडक्ट। इसी तरीके से जब आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो शुगर केन है। अब शुगर केन जिस वक्त आपके प्लांट में जाता है और उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो ये नॉर्मल मशीन्स नहीं होती जो हमें ये मार्केट में नजर आती है रोड पे लगी हुई, जो शुगर केन से हम जूस निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जूस इस तरह निकालते हैं कि वो जो उसका जो आप कह लें जो छिलका सा बच जाता है उसको हस्क का नाम देते हैं, और वो आपका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये रॉ मटेरियल बन जाता है कई फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का या दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। तो दिस इज नोन एज बाय प्रोडक्ट, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो इसकी शुगर हो, शुगर इज अ मेन प्रोडक्ट और बाकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो बाय प्रोडक्ट कंसीडर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में मैंने अभी आपसे सिर्फ डिस्टिंग्विश बताया कि व्हाट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट। देयर आर five different methods, four different methods of dealing with the byproduct. Lekin aapke syllabus mein sirf ek hi method hai, only one method. Aur main usi ko discuss kar raha hu. Byproduct shall be treated like normal loss. In process account, in process account. अब process account में normal loss का treatment हमने क्या पढ़ा था कि the scrap value of normal loss shall be credited या in other words deducted. तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये common cost लगी है मेरी 725,000, इसमें जितनी भी by product तैयार हो रही है उसकी sale value हम calculate करते हैं। हम कहते हैं जी इसकी सेल वैल्यू 25,000 है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, आपने ये 725 में से 25,000 पहले लेस करने हैं, अब रिमेनिंग जो आपकी जॉइंट कॉस्ट आएगी 700,000 वो अब आपने एलोकेट करने हैं जेपी वन, जेपी टू और जेपी थ्री, ज्वाइंट प्रोडक्ट वन टू एंड थ्री, बल्कि जितनी भी ज्वाइंट प्रोडक्ट सबको एलोकेट करनी। लेकिन पहले ट्रीटमेंट आपने बाय प्रोडक्ट का लेना है और फिर ज्वाइंट का, क्यों, ताकि रेजिडुअल अमाउंट आ जाए जो मैंने ज्वाइंट प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है। अब इसकी वजह बाद जिस वक्त मैं ज्वाइंट प्रोडक्ट को ट्रांसफर करूंगा इसमें तीन मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग, कॉमन कॉस्ट जो अभी मैंने डिस्कशन की 725 नहीं, आफ्टर डिडक्टिंग दी स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। देयर आर थ्री मेथड्स, द फर्स्ट मेथड इज अ वॉल्यूम मेथड,
देखिए वॉल्यूम मेथड क्या होता है, यानी आपने बेसिकली वॉल्यूम को बेस बनाना है कि ये कॉस्ट जो लगी है, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट 1, 2, 3 जितनी भी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, इनके टोटल वॉल्यूम क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है, और इसको सिंपली डिवाइड करके आप यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हो। और जब मैं यूनिट कॉस्ट निकालता हूँ, वो यूनिट कॉस्ट जेपी वन की भी उतनी होगी, जेपी टू की भी उतनी होगी और जेपी थ्री की भी उतनी होगी इस एग्जाम्पल के तहत। यानी यहाँ पर इस मेथड का करेक्टरिस्टिक ये होता है कि यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। ये कौन सी यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट, जितनी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो यूनिट कॉस्ट है वो सेम होती है, ठीक है। नंबर टू, अच्छा ये मेथड अब कहाँ यूज किया जा सकता है? ऑब्वियसली ये मेथड वहां यूज करते हैं जहां प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है मार्केट में वो मोर और लेस सिमिलर हो, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। जो लाइक थोड़ी सी कॉस्ट में इजाफा होता है, जैसे कलर मुख्तलिफ आप लक्स बना रहे हैं उसमें मुख्तलिफ आपकी वो होती हैं प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, उसमें मुख्तलिफ फ्रेग्रेंसेस ऐड की जाती हैं, मुख्तलिफ उसके नेम दे दिए जाते हैं जी इसका ये इसका, और प्राइसेस तकरीबन सेम होती हैं, वहां पर आप वॉल्यूम मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सेल्स वैल्यू मेथड। ये वहां यूज किया जाएगा जहां पर आपकी प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, यानी इसमें जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है 150 रुपीज पर यूनिट सेल करते हैं हम, 120 रुपीज पर यूनिट सेल करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं यूनिट कॉस्ट सेम कर दूं तो एक को कॉस्ट ओवरस्टेट हो जाएगी, एक को कॉस्ट अंडरस्टेट हो जाएगी। जहां सेल्स प्राइसेस बहुत ज्यादा वेरी करती हैं वहां सेल्स वैल्यू मेथड को हम प्रेफर करते हैं। अब सेल्स वैल्यू मेथड में क्या करते हैं हम कि तीनों की सेल्स प्राइस जो होती है उससे उसके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी ये जो प्रोडक्ट जेपी वन, जेपी टू और जेपी थ्री आपने तैयार किए हैं, आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, इनकी जो कॉस्ट पर जो सेल्स वैल्यू है वो क्या हो, यानी ये कितने में सेल हो सकती हैं, ठीक है, ये कितने में सेल हो सकती हैं, उसको हम सेल्स वैल्यू मेथड का नाम देते हैं। अब जो सेल्स वैल्यू मेथड आएगी उसका जो रेशियो बनेगी, उस रेशियो से आप ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करोगे। इससे फायदा क्या होगा, जिस प्रोडक्ट की सेल प्राइस ज्यादा है उसको ज्यादा कॉस्ट आप एलोकेट कर रहे हो, जिसकी सेल प्राइस कम है उसको कम कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो। यानी इस मेथड का करैक्टरिस्टिक ये है कि जीपीएम शैल नॉट चेंज या शैल बी सेम, जीपीएम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अगर मैं तीनों प्रोडक्ट्स की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालूं तो वो सेम हो। बस अगर एक प्रोडक्ट की जो जीपी रेशियो 30% आ रही है तो बी की भी 30% आएगी, सी की भी 30% आएगी, जेपी वन, जेपी टू, जेपी थ्री वगैरह, ठीक है। लेकिन थर्ड मेथड जो मोस्टली पेपर में यूज हो रहा है और वो मेथड हमारा कहलाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, एनआरवी मेथड। ये इज सिमिलर टू सेल वैल्यू मेथड, द ओनली डिफरेंस इज दैट NRV method is used in a situation where a product cannot be sold at split off point. Yani product is further, yani any joint product will be processed further. Chahe wo ek product ho, do ho, teen ho. Jab further process hoti hai aur uske baad fir aap usko sale karte ho. Yani split off point par uski sale price maujood nahi hai. तो फिर NRV का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम। NRV क्या पड़ा हुआ, सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल, यानी इसमें जितनी फर्दर कॉस्ट लगी है वो फाइनल सेल प्राइस में से लेस कर देते हैं, लेस करके NRV निकालते हैं, NRV को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पहले कहा बिल्कुल वही मेथड है, कैलकुलेशन भी उसी तरह होगी, सिर्फ NRV पर होगी। आप इसकी रेशियो लोगे और उस रेशियो के मुताबिक जो है वो आप उसको ट्रांसफर करोगे। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर इस मेथड के करैक्टरिस्टिक ये है, यूनिट कॉस्ट हो या जीपीएम हो, बल्कि एंड का वर्ड यूज करें, नॉट इक्वल, ये सेम नहीं होंगे, ना यूनिट कॉस्ट सेम होगी ना जीपीएम सेम होगा। ये जो मैंने करैक्टरिस्टिक आपके सामने लिखे हैं ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं, पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था
उसने सॉल्व किया हुआ सॉल्व करके दिया हुआ था और उसने ये कहा था कि ये पहले आइडेंटिफाई करें कि इसमें मेथड कौन सा यूज हुआ है और फिर इसको फर्दर के दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने चेक करना होगा सॉल्यूशन को कि किस मेथड से हुआ है, तो आप उसकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करो। अगर यूनिट कॉस्ट सेम है तो आप कह दो ये वॉल्यूम मेथड यूज हुआ है। अगर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है तो फिर आप दूसरे स्टेप पे जीपीएम कैलकुलेट करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो हर प्रोडक्ट का। अगर ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, पॉइंट्स में फर्क आ जाता है लेकिन नॉर्मली जैसे 15.56% निकाला और दूसरे का निकाला 15.57% आया, इट्स ओके, ये राउंडिंग की वजह से डिफरेंस आता है। तो अगर जीपीएम सेम आ रहा है इट मीन सेल्स वैल्यू मेथड है, और अगर यूनिट कॉस्ट भी सेम नहीं है जीपीएम भी सेम नहीं है इट्स अंडरस्टूड कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहां पर उसने यूज की। और वैसे भी अगर वैसे चेक करें तो अगर क्वेश्चन के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी हो, यानी इसका मतलब बाय प्रोडक्ट अगर फर्दर प्रोसेस हो रही है, तो फिर तो डेफिनेटली सी बात है, डेफिनेट बात है कि वहां पर हमारी एनआरवी ही मेथड यूज करेंगे।